हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर अच्छे सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद है आपको कंपनी जेट पढ़ने में पूरा पूरा मजा आ रहा होगा और एग्जाम में भी आप उतने ही मजे से लिख के आएंगे जितना मजे से हम पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझिए, कभी भी गलती नहीं होगी, बस लीगल लैंग्वेज पे और फोकस करना है। तो पिछले लेक्चर तक हमने बेसिक्स जितना भी था सब कुछ खत्म कर दिया था और साथ के साथ टाइप्स ऑफ कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हमने पढ़ लिया था, ओपीसी यानी कि वन मैन आर्मी। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब आज का मजेदार कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी कंपनीज के बारे में जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली सब जगह पाई जाती हैं और वो कंपनीज होती हैं होल्डिंग और सब्सिडरीज कंपनी। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर आपको बात है ना घुटनों तक पहुंच जाएगी रे कि कैसे होल्डिंग सब्सिडरी को पहचाना जाता है। तो लीगल लॉ को पढ़ने से पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट की एक एक बात डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद सारी बातें घुटनों तक पहुंच जाएंगी। स्क्रीन पर आपके सामने है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कॉन्सेप्ट, जिसे आम आदमी की भाषा में बोला जाता है पापा और बच्चा, है कि नहीं बात? पापा कंपनी, बच्चा कंपनी, पापा और बच्चा, यानी कि पिताजी का बच्चे के ऊपर कंट्रोल माना जाता, नहीं माना जाता आजकल के जमाने में तो खैर उल्टा हो रहा है, लेकिन फिर जब बच्चा छोटा होता है तो पिताजी का पूरा कंट्रोल माना जाता है। पिताजी जो कहते हैं बच्चा बात मान लेता, उन्हें पता है ना, नहीं मानेगा तो कूटा जाएगा। ऐसे ही बच्चे और पापा की तरह ही होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट, ये होल्ड होल्ड वर्ड पे ध्यान दो, होल्ड यानी कि जिसके पास किसी और पर्सन का या किसी और कंपनी का होल्ड है तो वो कहलाई जाएगी होल्डिंग कंपनी, ठीक है ना? और जिसका जिसका जिस बच्चे का सारा कंट्रोल पापा के पास है, पापा का के हाथ जोड़ के खड़ा, पापा आज मत मानना प्लीज, तो वो बेचारा कौन है, वो बालक कौन है? वो बालक है सब्सिडरी कंपनी। कौन है? सब्सिडरी, है ना, सब्सिडरी छोटा, ठीक है, होल्डिंग बड़ी होल्डिंग। तो जनरली आपने बात सुनी होगी पुराने पुरानी यादों में, अगर जाओगे तेरी याद साथ है 11th 12th वालों की, तो आपने कहीं कहीं ये बात सुन ली होगी, है ना? होपफुली मैं अज्यूम कर रहा हूं, वरना हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सर अगर कोई भी कंपनी किसी और कंपनी का, कोई भी कंपनी किसी और कंपनी का होल्डिंग रखती है, वो भी 50% से ज्यादा, कितना ज्यादा? 50% से ज्यादा, तो जिसके पास 50% से ज्यादा का होल्ड है, ठीक है ना, वो कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी का 50% से ज्यादा किसी और के पास है, ठीक है ना, तो वो कंपनी होती है बेचारी सब्सिडरी कंपनी, चुन्नू मुन्नू सी बालक कंपनी, ठीक है ना? कुछ इस बारे में मैंने आपको बता दिया था जब हमने केसेस पढ़े थे, एरियल वाला, है ना, एरियल वालों ने बनाई सब्सिडरी इसी वजह से थी, तब भी हमने पढ़ लिया था। आज हमें उसी कॉन्सेप्ट को डिटेलिंग से पढ़ना है। ये थी अधूरी बात, और आपको बताइए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, या तो ज्ञान हो ही ना हो तो फिर पूरा हो, ठीक है ना? अधूरा इश्क, ठीक है, आत्महत्या के बराबर होता है। इसलिए सबसे पहला, है ना, जो होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट है उसमें यह कहा गया कि शेयर होल्डिंग की बात तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी के डायरेक्टर्स में घुस जाए, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, समझो ना, राउंड द टेबल, है ना, लोग बैठे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही होती है, डायरेक्टर्स बैठे होते हैं कंपनी के, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, है ना, और एक खास खास मुद्दों की बात चल रही होती है। रिलायंस की बात करें तो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, है ना, उनके बेटे या और भी जो कंपनी के डायरेक्टर है वो बैठे हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करा जा सकता है किसी और के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर कंट्रोल किया जा सकता है किसी और के द्वारा, तो जो पर्सन कंट्रोल कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो कहलाया जाता है होल्डिंग पर्सन। यानी अगर यही काम कोई कंपनी कर रही है तो वो कंपनी कहलाई जाएगी होल्डिंग कंपनी। अब घुटनों तक, है ना, आत्मा तक आवाज चीख चीख के बोलती है, कंट्रोल मतलब क्या होता है? कंट्रोल, तो यहां कंट्रोल का मतलब 12th में BST वाला नहीं है, यहां कंट्रोल का मतलब है आपके पास पावर है। समझना ध्यान से बाल को, है कि नहीं बात, बहुत गहराई से, आपके पास पावर है
कि आप सामने वाली कंपनी के डायरेक्टर्स को या तो अपॉइंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अपॉइंट, ठीक है, या उन्हें भगा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यानी अगर आपको इतनी पावर दे दी गई है कि आप किसी कंपनी के, है ना, किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स में खलबली मचा सकते, बोल सकते अगली बार तू गया, है ना, या अगली बार तेरे नंबर है, तू हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनेगा, ठीक है। तो भाई आपके पास ये पावर है कि आप किसी और कंपनी में डायरेक्टर्स को भगा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डायरेक्टर्स को ला सकते हो, यानी कि आप क्या कहलाए जाओगे, होल्डिंग कंपनी कहलाए जाओगे। इक्विटी शेयर्स का कोई लेना देना नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है, सभी को समझ में आ रही है? तो देखो क्या लिखा है, होल्डिंग सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। पहला, अगर किसी कंपनी के पास कंट्रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी, किसी भी कंपनी के पास अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का, है ना, अधिकार है, तो जिस कंपनी के पास अधिकार है, जिस कंपनी के पास अधिकार है वो कंपनी तो होगी होल्डिंग कंपनी। वो कंपनी क्या होगी सर, होल्डिंग कंपनी होगी। और जिस कंपनी के डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं वो अदर कंपनी क्या कहलाई जाएगी, सब्सिडरी कंपनी, है ना। यानी कि ध्यान से समझो, आपकी नजरों के सामने बहुत ही मजेदार एग्जांपल है, चटपट एग्जांपल। चटपट लिमिटेड के पास 10 डायरेक्टर है, कितने हैं 10। हाजमोला लिमिटेड के पास राइट है कि वो चटपट लिमिटेड के 7 डायरेक्टर को या तो अपॉइंट कर सकती है या 7 डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ नलायक, इसका मतलब क्या हुआ, चटपट कंपनी के 10 डायरेक्टर में से 7 डायरेक्टर को हाजमोला या तो भगा सकती है, है ना, या 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ चुके हो आप? बताओ इन दोनों में से सब्सिडरी कौन है ना, और इन दोनों में से होल्डिंग कौन? तो नलायको चटपट क्या हुई, चटपट हुई सर सब्सिडरी कंपनी। और किसके पास पावर है, किसके पास पावर है डायरेक्टर को अपॉइंट करने की और रिमूव करने की, किसके पास, हाजमोला के पास। तो हाजमोला क्या हुई, हाजमोला हुई सर होल्डिंग कंपनी। बात घुटनों तक पहुंच रही, नहीं पहुंच रही सर, बिल्कुल पहुंच रही सर, मजा आ रहा है। यानी कि जिसके पास पावर है 50% से ज्यादा मेजोरिटी शेयर होल्डर को रखने की या भगाने की, तो उसको बोलेंगे होल्डिंग। और जिस कंपनी में आप घुस गए, है ना, जिस कंपनी में घुस के उस कंपनी के डायरेक्टर में खलबली मचा रहे हो, वो बेचारी कंपनी, मासूम सी कंपनी जिसके अंदर आप घुस चुके हो, उस कंपनी को क्या बोला जाएगा, सब्सिडरी कंपनी। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे भाई और बहनों, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अगला कॉन्सेप्ट कहता है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर किसी भी कंपनी के पास किसी और कंपनी के 50% से ज्यादा, मैं क्या गौर कर फरमाने को बोल रहा हूं, 50% से ज्यादा, जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं 50% से ज्यादा, तो इट मे बी 50.10%, इट मे बी 50.50%, इट मे बी 51%, इट मे बी 60% और इट मे बी 100%। बात जा रही है घुटनों तक? हाँ सर बिल्कुल जा रही है। यानी कि अगर एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के 50% से ज्यादा, 50% नहीं, 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ठीक है ना, टोटल शेयर कैपिटल की 50% से ज्यादा होल्डिंग है, तो एक्स लिमिटेड क्या मानी जाएगी, होल्डिंग, और वाई लिमिटेड मानी जाएगी बच्चा कंपनी, सब्सिडरी। एग्जाम्पल आपकी नजरों के सामने है, इसे जिगर के पास तक लेके जाइए। गब्बर लिमिटेड, ध्यान से देखेंगे भाई और बहनों, गब्बर लिमिटेड के पास 51% शेयर कैपिटल है, टोटल शेयर कैपिटल में से 51% शेयर कैपिटल है कालिया लिमिटेड की, है ना, यानी गब्बर लिमिटेड हैविंग 51% शेयर कैपिटल ऑफ कालिया। 51 यानी कि 50 से ज्यादा हो गया, हाँ सर 50 से ज्यादा हो गया, तो गब्बर क्या हो गई सर, गब्बर हो गई होल्डिंग। बात समझ में आ रही है? कालिया लिमिटेड क्या हो गई सर, कालिया लिमिटेड हो गई सब्सिडरी, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल को बहुत गौर से, है ना, नोट करेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे, राइट। या तो पॉइंट नंबर ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कंट्रोल है, कंपोजिशन है,
ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन है आपके पास, या फिर आपके पास 50% से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल है, तो आप एक होल्डिंग कंपनी कहलाए जाएंगे। ठीक है जी बात। अब और गहराई में घुसते हैं, और गहराई में, राइट, केसेस आपके सामने हैं। अगर आपने ये केस सॉल्व कर दिए तो होल्डिंग सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट इस लेवल पे तो छोड़ो, इंटर लेवल और फाइनल लेवल पे भी आप सॉल्व कर दोगे, गारंटेड। ठीक है ना, राइट। थोड़े से हायर लेवल के केसेस बनाए हैं ताकि आपके घुटनों तक बात पहुंच सके। पहला केस पढ़ो नलायको, पहला केस, केस नंबर टू। ठीक है, केस नंबर वन कौन सा था? केस नंबर वन जो से पहली वाली स्लाइड में दिखाया, राइट, सांबा लिमिटेड की इक्विटी है 4 लाख, सांबा लिमिटेड के पास इक्विटी है 4 लाख, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है 6 लाख। अब खलबली बच्चों को क्या मस्ती सीधा एग्जाम में जाके कि सर जब मुझे 50% से ज्यादा, चाहे 51 हो, 60 हो, 100 हो, जब मुझे 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल को होल्ड करना है, टोटल शेयर कैपिटल को होल्ड करना है, तो शेयर कैपिटल क्या है? नलायको टोटल शेयर कैपिटल लिखा ना, तो टोटल शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। क्या मतलब हुआ टोटल शेयर कैपिटल का? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो क्या ध्यान रखेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस को जोड़कर टोटल शेयर कैपिटल बनती है। सिर्फ इक्विटी, इक्विटी मत लेना, एग्जाम में बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ इक्विटी को सोच के आते हैं, सर इक्विटी कैपिटल मैंने होल्ड कर रखी है तो मैं होल्डिंग हूं, अगर इक्विटी कैपिटल 50 से कम है तो भैया मैं होल्डिंग सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा, इसलिए क्वेश्चन दिया है। अब आपको आंसर देना है, गब्बर के पास 100% इक्विटी है और कालिया के पास 100% प्रेफरेंस है। ठीक है, गब्बर के पास 100% इक्विटी, कालिया के पास 100% प्रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर वन, क्या गब्बर लिमिटेड होल्डिंग है? ठीक है ना, क्या गब्बर लिमिटेड होल्डिंग है सांबा की? बताओ, पहला सवाल आपको यह पूछा जाता है, इज गब्बर लिमिटेड, एग्जाम में ऐसी आएगा, इज गब्बर लिमिटेड होल्डिंग ऑफ सांबा लिमिटेड? बोलो, टोटल शेयर कैपिटल कितनी हुई नलायको? नलायको टोटल शेयर कैपिटल हुई सर कितनी? 10 लाख। अगर गब्बर के पास सांबा के 50% से ज्यादा, कितने से ज्यादा होने चाहिए सर? होने चाहिए मोर देन 5 लाख। अगर मोर देन 5 लाख है तो ही तो आप क्या करोगे, तो ही तो उसे आप क्या मानोगे, होल्डिंग मानोगे। लेकिन यहां गब्बर के पास कितने हैं? गब्बर के पास है 100% इक्विटी, यानी कि 4 लाख। 4 लाख अगर है तो 50% से कम हुए, 50% से ज्यादा हुए? सर 4 लाख हो गए 50% से कम, यानी 5 लाख से कम, यानी कि गब्बर लिमिटेड सांबा की होल्डिंग नहीं है। नॉट गब्बर लिमिटेड इज नॉट, जी इज नॉट होल्डिंग ऑफ सांबा। बात समझ में आ रही है? बात घुटनों तक जा रही नहीं जा रही? सर बिल्कुल जा रही है, समझ में आ चुकी है बात। अगला सवाल बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ध्यान से मुझे बताएंगे क्या चल रहा है। ठीक है जी बात, बताओ, क्या कालिया लिमिटेड जिसके पास 100% प्रेफरेंस शेयर है, तो क्या कालिया लिमिटेड सांबा की होल्डिंग हुई नहीं हुई? कालिया लिमिटेड के कितने शेयर है के पास? सर प्रेफरेंस है 100%, यानी 6 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता है। किसके? सांबा के। तो कालिया लिमिटेड होल्डिंग हुई या नहीं हुई? सेम पैटर्न। टोटल शेयर कैपिटल कितनी है? सर टोटल शेयर कैपिटल है 10 लाख टोटल। अब टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख है तो उसमें से के पास कितने हैं? 6 लाख। 50% ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ बताइए भाई और बहनों, 50% ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, इट्स मोर देन 50%। सर ये 50% से ज्यादा हुआ, इसका मतलब 50% से ज्यादा होते ही आप क्या बोल सकते हो? यस सर। क्या बोलोगे? के इज होल्डिंग, तालियों के साथ स्वागत किया जाए, के इज होल्डिंग ऑफ एस। रीजन आप जानते हैं क्यों के होल्डिंग है एस की? रीजन बिकॉज के हैविंग मोर देन 50% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। तो टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख, उसका 50% ज्यादा के पास है, तो के क्या बन गई? होल्डिंग बन गई। उल्टा क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे,
एग्जामिनर पूछ रहा क्या एस सब्सिडरी हुई या नहीं हुई के की, क्या एस सब्सिडरी हुई या नहीं हुई, क्या बोलोगे, यस एस सब्सिडरी हुई के की। चाहे आप आंसर को ऐसे पूछ लो, चाहे आप आंसर को ऐसे पूछ लो, है ना, बात बराबर है, सेम कहानी है, एक राजा और एक रानी है। के क्या होल्डिंग है, हाँ जी ऐसे पूछ लो। एस क्या सब्सिडरी है, हाँ जी ऐसे पूछ लो। बात आपको समझ में आ चुकी होगी बिना किसी टेंशन के। केस नंबर फोर पे आते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे, केस नंबर फोर पे आते हैं भाई और बहनों। गब्बर लिमिटेड के पास 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल है सांबा के, सांबा के पास 50% इक्विटी शेयर कैपिटल है ठाकुर लिमिटेड के। सबसे पहला सवाल, क्या गब्बर लिमिटेड सांबा की होल्डिंग हुई या नहीं हुई। सर बच्चों वाला सवाल है सर, बेइज्जती कर दिया आपने सवाल पूछकर। यस ठीक है, क्यों, 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल है। दूसरा सवाल, क्या सांबा लिमिटेड होल्डिंग है ठाकुर की, सांबा होल्डिंग है ठाकुर की। सर बिल्कुल बिल्कुल है, 50% से ज्यादा है, बच्चों वाला सवाल है। असली सवाल, खतरनाक सवाल ये है, सोच के समझ के जवाब देंगे। ठीक है, मजा आ रहा है सर पढ़ने में भी, अरे मुझे पढ़ाने में भी आ रहा है। क्या गब्बर ठाकुर की होल्डिंग है, क्या सुनना ध्यान से, क्या गब्बर ठाकुर की होल्डिंग है। गब्बर ने सांबा के शेयर ले रखे 50% ज्यादा, पर गब्बर ने ठाकुर के शेयर नहीं ले रखे 50% ज्यादा, तो बताओ क्या गब्बर ठाकुर लिमिटेड की होल्डिंग कहलाई जाएगी या नहीं कहलाएगी। या उल्टा पूछता हूं, उल्टा, क्या ठाकुर लिमिटेड गब्बर की सब्सिडरी कहलाई जाएगी नहीं कहलाई जाएगी, क्या ठाकुर लिमिटेड गब्बर की सब्सिडरी कहलाई जाएगी नहीं कहलाई जाएगी। रिश्ता वही, सोच नहीं, सवाल कैसे भी पूछ लो, क्या गब्बर ठाकुर की होल्डिंग है या क्या ठाकुर गब्बर की सब्सिडरी है, ये जवाब देना है आपको। ठीक है, अब आएगा असली मजा। चलो हिंट देता हूं, अपने दद्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हो, अपने दद्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हो, बाबा है ना, जी को क्या बोलते हो, ठीक है ना, दादाजी को क्या बोलते हो, ग्रैंडफादर। दो वर्ड है इसमें, ग्रैंड फादर, ठीक है ना, ग्रैंड अलग और फादर अलग। और पिताजी को क्या बोलते हो, पिताश्री, है ना, पिताजी को इंग्लिश में क्या बोलते हो, फादर बोलते नहीं बोलते, फादर। यानी कि ठाकुर है पोता, पोता या पोती, सांबा होगी पापा, पा 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 पा, और गब्बर लिमिटेड होगी ग्रैंडफादर, यानी कि मेरे पापा के पापा मेरे ग्रैंडफादर हुए या नहीं हुए। बिल्कुल हुए सर, यानी कि अगर मेरे ग्रैंडफादर का कंट्रोल मेरे पापा पर है और पापा कंट्रोल मेरे ऊपर है, तो जाने अनजाने आपको पता नहीं लगा आपके ग्रैंडफादर कंट्रोल भी आपके ऊपर है, यानी कि बड़े पापा ग्रैंड पापा जो होंगे वो आपसे कुछ बोलेंगे तो टाल दोगे क्या, बताओ, नहीं टाल पाओगे, राइट। और अगर टाला भी तो पता किसको बोलेंगे, पोता बहुत नलायक हो रहा, हाथ से निकल रहा है, समझा ले इसे, तो फिर पापा तुम्हें कूटेंगे। क्या करके आए दद्दू के साथ, दद्दू से जुबान लड़ाएगा अपने, तेरे बाप ने तो आज तक अपने पापा से जवान नहीं लड़ाई और तू अपने दादा से जवान लड़ाएगा जाके, तो वही कूटे जाओगे, तो आप समझ जाओगे पापा आई एम सॉरी, पापा दद्दू के पास है ना मैं गया था, मुझे गुस्सा आ गया, आज के बाद मैं माफी मांगता हूँ दादाजी से। इसका मतलब अगर ठाकुर से या आपसे कोई काम कराना है, राइट, दद्दू को, तो दद्दू किसको बोल सकते हैं, दद्दू पापा को बोल सकते हैं, पापा तुम्हें कहेंगे और तुम्हें माननी पड़ेगी बात। सेम बात, अगर गब्बर को ठाकुर से कोई काम कराना है, तो गब्बर बोलेगी सांबा को, है ना, गब्बर लिमिटेड बोलेगी सांबा लिमिटेड को कि भाई ठाकुर से बोल ये कर। गब्बर जब सांबा को बोलेगी तो सांबा कौन है, सांबा उसकी सब्सिडरी है, राइट, और सांबा को गब्बर की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, और जब सांबा को गब्बर की बात माननी पड़ेगी तो सांबा ठाकुर को बोलेगा, तो ठाकुर सांबा की सब्सिडरी हो गई, तो ठाकुर को सांबा की बात माननी पड़ेगी। इसका मतलब इनडायरेक्टली गब्बर ठाकुर के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब ग्रैंड पापा ग्रैंड फादर अपने पोते के ऊपर आपके ऊपर भी इनडायरेक्टली कंट्रोल रखते हैं अपने बेटे यानी आपके पापा के थ्रू। इसका मतलब सबसे खतरनाक क्वेश्चन, क्या गब्बर होल्डिंग है ठाकुर की, अ बिग यस सर, गब्बर होल्डिंग है ठाकुर की। आई होप बात और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल दद्दू पापा और बेटे के रिलेशन से आप समझ सकते हैं। नोट कर लिया, राइट, इसको नोट कर ले चाहे पॉज करके। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनाता हूं आपके लिए इसी में, सुनना ध्यान से। अगर मैं ये बोलूं
कि ठाकुर के पास मोर देन 50% शेयर कैपिटल है, ठीक है, वीरू लिमिटेड की, राइट। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल, क्या वीरू सब्सिडरी है ठाकुर की? जी हां। या फिर ऐसे बोलो, क्या ठाकुर होल्डिंग है वीरू लिमिटेड की? आप बोलोगे हां। मजेदार सवाल आप सुनो, क्या सांबा वीरू लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी होगी या नहीं होगी? या ऐसे बोल दो, क्या वीरू लिमिटेड सांबा की सब्सिडरी होगी या नहीं होगी? तो आप आंसर क्या दोगे? यस। रीजन, सांबा ठाकुर को बोलेगी, ठाकुर वीरू को बोलेगा, तो वीरू को वो काम करना पड़ेगा। ऑर्डर चाहे ऊपर से चले आ रहे हो। और अगला मजेदार सवाल, और भी मजेदार सवाल, क्या गब्बर लिमिटेड है कि नहीं बात, क्या गब्बर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है वीरू लिमिटेड की? या ऐसे बोल दो, क्या वीरू लिमिटेड सब्सिडरी है गब्बर की? क्या वीरू लिमिटेड सब्सिडरी है गब्बर की? आंसर क्या होगा? जी हां, राइट। यानी कि पूरी चेन में ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर से फादर के ऊपर भी चले जाओ तो भी जो हायरार्की चली आ रही है वो सब क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट में। तो आप क्या बोलोगे? यस, गब्बर इज द होल्डिंग ऑफ वीरू, या फिर यस, वीरू इज द सब्सिडरी ऑफ गब्बर, क्योंकि सबका कंट्रोल एक दूसरे के नीचे चल रहा है और वो नीचे वाले को ऑर्डर दे सकते हैं। अभी बात समझ में आ चुकी होगी कि चेन कितनी ही लंबी कर दो, गब्बर हमेशा इसकी भी होल्डिंग है, गब्बर हमेशा ठाकुर की भी होल्डिंग है, और गब्बर हमेशा वीरू की भी होल्डिंग है। या ऐसे कह दो, सांबा इज द सब्सिडरी ऑफ गब्बर, ठाकुर इज द सब्सिडरी ऑफ गब्बर, और वीरू इज द सब्सिडरी ऑफ गब्बर। अब कानूनी भाषा में सुनना ध्यान से, कानूनी भाषा में जितनी भी होल्डिंग कंपनी है उन्हें क्या बोला जाता है सर, या जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उन्हें क्या बोला जाता है? तो इन तीनों को बोला जाता है कानूनी भाषा में लेयर्स। क्या बोलेंगे? लेयर्स। यानी कि अगर आप लॉ में वर्ड लिखा देखते हैं लेयर्स, तो लेयर मींस सब्सिडरी, सब्सिडरी की लेयर, सतह तय जो बनती चली जाती है, राइट। तो ये वर्ड यूज किया गया है मोस्ट किसके लिए? सब्सिडरी कंपनी के लिए, दैट इज लेयर्स। आखिरी सवाल, केस 5, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, गब्बर ने 50% ले रखे हैं एसके, गब्बर ने 50% से ज्यादा ले रखे हैं, सॉरी 50% से ज्यादा ले रखे हैं एसके, गब्बर ने 50% ज्यादा ले रखे हैं के। पहला, एस सब्सिडरी है जी की? आप बोलोगे यस। के सब्सिडरी है जी की? आप बोलोगे यस, ठीक है जी बात। फिर सुनना ध्यान से, एस ने डी के 30% ले रखे हैं, या मोर देन नहीं कह रहा, एग्जैक्टली 30 ले रखे हैं। के ने भी डी के धनों के कितने ले रखे हैं? 25% शेयर ले रखे हैं। क्या डी सब्सिडरी है एस की? ना मुन्ना ना, सब्सिडरी होने के लिए 50% से ज्यादा होना चाहिए। क्या डी सब्सिडरी है के की? ना मुन्ना ना, सब्सिडरी होने के लिए 50% ज्यादा की होल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत टुच्ची बातें थी, असली सवाल है जो वो लिखा है, क्या डी सब्सिडरी है जी की? या फिर इसे आप कैसे लिख सकते हो? इसे आप ऐसे लिख सकते हो, क्या जी होल्डिंग है डी की, राइट। सवाल कैसे भी घूम सकता है, कोई टेंशन नहीं, सोच समझ के जवाब दें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोलिए भाई और बहनों, जल्दी 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 सोचिए बिना किसी टेंशन के, राइट। एनालिसिस देखो क्या कहती है, सुनना ध्यान से। कई बच्चों को लग रहा है सर ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहां तो हमने पढ़ा 50% ज्यादा होना चाहिए, तो 30 और 25, ये तो है नहीं। बिल्कुल सही जवाब, ऐसा मत सोच लेना, ठीक है। सुनो, एनालिसिस देखो, फिर आपको बात समझ में आएगी। गब्बर ने एक डिसीजन लिया, ठीक है ना, गब्बर ने एक डिसीजन लिया कि धनों की एक यूनिट, राइट, या धनों की एक ब्रांच हम खोलेंगे कश्मीर में, ठीक है ना। अब तो धारा 370 हट चुकी है, आर्टिकल 370 कश्मीर में खोलेंगे। गब्बर ने कहा इसकी ब्रांच खोल ली है कश्मीर में जाके, तो गब्बर ने एस को बोला, और गब्बर के पास एस के 50% ज्यादा है, तो एस को माननी पड़ेगी। एस को बोला, उसको बोल मीटिंग में जाकर कि भाई कश्मीर में ब्रांच खोलनी है, 30% मेरी तरफ से यस है, राइट।
तो जो हमारा सबसे बड़ा एक सवाल था, सबसे बड़ा जो मीटिंग में मुद्दा था, ठीक है, उस मुद्दे के ऊपर कि कश्मीर में हम एक नई ब्रांच खोलेंगे, तो उसके ऊपर 30% यस हो चुकी है। हो चुकी है, नहीं हो चुकी है सर? बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि गब्बर ने एस को बोला है, तो एस को तो ये बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि गब्बर के पास एस के 50% से ज्यादा शेयर, तो गब्बर हो गए पापा, तो पापा की बात बच्चे को माननी पड़ेगी। तो 30% उसने बोल दिया, भाई 30% मेरे पास पावर है ना वोटिंग करने की, तो मेरी तरफ से 30% यस है फॉर कश्मीर ब्रांच। गब्बर ने फिर के को बुलाया, अपने बच्चे को, बेटा के बेटा जल्दी आ जा इधर, है ना? जी पापा। तो पापा ने बोला के बालक को कि भाई जब तू धन्नो की मीटिंग में पहुंचे ना, तो धन्नो को बोल दियो कश्मीर के ब्रांच के मुद्दे पे मेरी तरफ से 25% हाँ है, मेरी 25% वोटिंग है फेवर में। तो के क्योंकि गब्बर का बालक है, तो के को गब्बर की बात माननी पड़ेगी, 50% का वास्ता है, उससे ज्यादा का वास्ता है तो माननी पड़ेगी। तो के जब मीटिंग में जाएगा, तो मीटिंग के मुद्दे में के भी क्या बोलेगा, भैया मेरी तरफ से 25% यस है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कह के भेजा है। यानी कि एस लिमिटेड ने भी 30% हाँ कर दी, के लिमिटेड ने भी 25% हाँ कर दी। इसका मतलब गब्बर के पास धन्नो की मीटिंग में, धन्नो के मुद्दे में कितनी परसेंट वोटिंग अपने हाथ में रख रखी है इनडायरेक्टली? सर उसने इनडायरेक्टली अपने पास रख रखी है 55%। बात घुटनों तक पहुंच चुकी, नहीं पहुंच चुकी? 55% कश्मीर के मुद्दे पर। क्या अब दुनिया के किसी भी मुद्दे पर अगर धन्नो लिमिटेड को वोटिंग करानी है कि भैया बताओ वोटिंग करते हैं हाँ या ना में जवाब लेते हैं, तो आपको पता ही है, ठीक है ना? राइट, 30% इसके थ्रू वो कह देगा, राइट, और 25% इसके थ्रू कह देगा। 50% से ज्यादा कैपिटल होल्ड होगी नहीं होगी? तो 50% से ज्यादा जब कैपिटल होल्ड हो चुकी है, इसका मतलब यहां क्या लिखोगे? अ बिग यस। आई होप बात बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। तो आखिरी सवाल, क्या डी सब्सिडरी है जी की? आंसर क्या होगा? यस सर। क्या जी होल्डिंग है डी की? आंसर क्या होगा? यस सर। बिकॉज यहां 30% शेयर कैपिटल है, यहां 25% शेयर कैपिटल है, तो यहां से वो काम करवा सकता है और यहां से ऑर्डर देके काम कराया जा सकता है। इसलिए द बेस्ट है ना क्वेश्चन इज दिस। कॉन्सेप्ट आपको बहुत जबरदस्त तरीके से अब समझ में आ चुका होगा। और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देता हूं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसका आप इस्तेमाल भी कर रहे हो। आपके पास जियो का सिम है, ठीक है जी, राइट, और उस जियो के सिम में, राइट, आप जो भी डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली में वो जियो कंपनी जो है, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है ना, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, वो एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको पता हो या ना हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो की होल्डिंग है। और पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कितने? रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के 67.3% की होल्डिंग है, राइट, 67.3 की। और सर बाकी हालांकि ये ज्ञान सेवा है, याद रखना एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें एक आध तो रियल लाइफ एग्जाम्पल का ज्ञान होना ही चाहिए। अब ज्ञान सेवा, बाकी 32.97 फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से आपको पता ही है फेसबुक ने 9.99% शेयर लिए हैं, 43,000 करोड़ रुपए में, ठीक है ना? बाकी गूगल के पास इतने हैं, हाँ जी सर, गूगल के पास भी, हाँ गूगल के पास 7.73, और बाकी छोटे मोटे एक दो परसेंट मिला के अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है ना अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, राइट, जियो के अंदर। यानी मुद्दे की बात यह है, अगर जियो का कोई भी डिसीजन लेना है, तो किसकी चलेगी? सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही चलेगी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कितनी होल्डिंग है? 67% की होल्डिंग, शेयर होल्डिंग है। तो एक तरीके से सारे डिसीजन किसके होंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिसीजन ही जियो को मानने पड़ेंगे। जियो सावन, जियो टेलीकॉम जो आप देखते हैं ना, जियो मार्ट, ये सब जियो प्लेटफॉर्म के सब्सिडरीज कंपनी है। सर मजा आ गया, क्या ज्ञान की बात थी, राइट। अब कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं, झटपट पढ़ के देख लेते हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आर रिलेटिव टर्म, यानी कि एक साथ ही पढ़ी जाती है, और मैंने आपको इसलिए एक साथ ही कॉन्सेप्ट बताया है। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू, सुनना ध्यान से, राइट,
कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस कंपनीज विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनी. सर ये क्या ऊपर से निकल गई, बिल्डिंग से ऊपर निकल गई. चलो कोई बात नहीं, अगली बात पे आते हैं. सब्सिडियरी कंपनी की बात करते हैं. एक्चुअली में होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन कुछ है नहीं, एक लाइन है. जो मुद्दे की डेफिनेशन है वो सब्सिडियरी की है, ठीक है ना. क्या लिखा है देखो, सब्सिडियरी कंपनी रिलेशन टू एनी अदर कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी. ये अदर वर्ड किसके लिए लगाया है यहाँ पे, अदर वर्ड लगाया है सर यहाँ पे होल्डिंग के लिए, ठीक है नहीं, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है. इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी, ठीक है, मींस अ कंपनी इन विच, यानी सब्सिडरी कंपनी क्या है, सब्सिडी ऐसे पढ़ेंगे, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच. सिर्फ ये दो जो मैंने ब्लॉक बनाया ना इस पे फोकस करो. सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच, जिसमें, जिसमें है ना, राइट, होल्डिंग कंपनी का, यानी जिसमें सब्सिडरी कौन सी हो गई, जियो, और ये कौन सी होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज. सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बता ही चुका हूं, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकालना या रखना, या फिर कंट्रोल मोर देन हाफ, मोर देन 50% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल. यहां इक्विटी नहीं लिखा, यहां प्रिफरेंस नहीं लिखा, टोटल लिखा, यानी दोनों मिला के, ठीक है ना, राइट, ओन और टूगेदर विद वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी. या तो खुद रख ले या अपनी सब्सिडरी के थ्रू होल्डिंग करवा दें. सब्सिडरी के थ्रू होल्डिंग करवाने का मतलब कौन सा हुआ, ये वाली बात, ठीक है, अपनी सब्सिडरी के थ्रू, अपनी सब्सिडरी के थ्रू या फिर अपनी सब्सिडरीज के थ्रू आप किसी और के ऊपर होल्डिंग करवाते हैं. समझ चुके हो सर? सर बिल्कुल समझ चुके हैं. अगला देखो, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज वी प्रिस्क्राइब शैल नॉट हैव लेयर्स. लेयर्स मतलब क्या बताया मैंने आपको, सब्सिडरी. Shall not have subsidiary, right, beyond such number as may be prescribed. यानी कि जो भी हमारी सब्सिडरी है, ठीक है ना, ये जैसे गब्बर, तो गब्बर कितनी लेयर्स अपने अंडर बना सकता है, गब्बर कितनी लेयर्स अपने अंडर बना सकता है, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, तो लेयर फोर, फिर लेयर फाइव, फिर लेयर सिक्स, कितनी लेयर अपने नीचे लगा सकता है गब्बर. तो कानून बनाने वाले जज साहब ने क्या बोला, उतनी ही लेयर्स लगाई जा सकती हैं जितनी प्रिस्क्राइब्ड होंगी, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड अभी बताई नहीं गई, ठीक है. ऐसा नहीं बताया कि 10 लेयर्स लगा सकते हैं अपने नीचे, या 20 लगा सकते हैं, या 5 लगा सकते हैं, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, जब जो प्रिस्क्राइब की जाएंगी. तो अभी तक ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया गया है, तो आप 2, 4, 5, 6 तो कोई दिक्कत नहीं है. आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी. अगली बात, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्या लिखा है, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल इन सब क्लॉस 1 और सब क्लॉस 2 इज फॉर अनदर सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी. यानी कि जो ऊपर हमने क्लॉस पढ़े हैं, ठीक है, ये वाले सब क्लॉस 1 और सब क्लॉस 2, वन और टू, इसके लिए देखो क्या कह रहा है, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना बात, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी, इतना पढ़ेंगे ना. और होल्डिंग कंपनी को स्किप करते हैं, आप ऐसे समझ जाओगे, कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी इवन इफ कंट्रोल मतलब चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, चाहे 50% होल्डिंग का किसके पास है, अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी. यानी कि होल्डिंग कंपनी एक्स, उसकी सब्सिडरी वाई और उसकी सब्सिडरी जेड, ठीक है ना. तो ये होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट बोलता है, सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी ही कहलाई जाएगी, चाहे वो इसकी सब्सिडरी हो और वाई इसकी सब्सिडरी हो, तो ये भी इसकी सब्सिडरी ही कहलाई जाएगी. आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि वाई इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ एक्स एज वेल एज जेड इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ एक्स. तो वही बात लिखी है कि सब्सिडरी कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी ही मानेंगे, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी किसी और की भी सब्सिडरी कंपनी हो, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, किसी और की सब्सिडरी हो और वो वाली सब्सिडरी कंपनी किसी और की सब्सिडरी हो, तो भी ये होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट चलता रहेगा. इसका मतलब आसान सी भाषा में क्या लिखेंगे, इसका मतलब सर आसान सी भाषा में लिखा जाएगा, लिखना ध्यान से, सब्सिडरी, आप चाहे तो एग्जाम में ये वर्ड लिख के आ जाना, है ना,
सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी राइट, यानी कि सब्सिडरी की सब्सिडरी भी होल्डिंग की सब्सिडरी कहलाई जाती है, यानी एक्स की सब्सिडरी वाई, वाई की सब्सिडरी जेड, ठीक है। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी कहलाई जाएगी होल्डिंग की। यही बात पहले भी मैं एग्जांपल में ले चुका हूं, तो ये आप लाइन लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी इज ऑल्सो द सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग राइट। सेकेंड पॉइंट दो क्या लिखा है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दिया कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। सर कंपोजिशन का मतलब है कंट्रोल बाय अनदर कंपनी इफ अदर कंपनी एक्सरसाइज सम पावर एक्सरसाइजेबल टू डिस्क्रिशन कैन बी अपॉइंट, मुद्दे की बात याद रखेंगे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अपॉइंट और रिमूव ऑल, यानी कि 10 के 10 या मेजोरिटी 10 में से 6 7 है ना 8 9 या सारे के सारे 10 डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं, तो आप क्या कहलाए जाएंगे, होल्डिंग कहलाए जाएंगे। एक्सप्रेशन कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, ये को बताने वाली बात नहीं। रेयर्स का मतलब होल्डिंग कंपनी के लेयर्स का मतलब सब्सिडरी और सब्सिडरीज, ठीक है। बात बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। एग्जाम्पल देख लो खेल खत्म, ध्यान से। एग्जाम्पल वन, ए विल बी द सब्सिडरी ऑफ बी, यानी ए क्या है, ए बी की सब्सिडरी है, बी ऊपर होगी तो ए नीचे होगी। बी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी ने क्या कर रखा है, ए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिशन होल्ड कर रखा है, यानी कि अपॉइंट और रिमूव। इफ बी कैन विदाउट द कंसेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉइंट और रिमूव द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी किसी कंसेंट के बिना अपॉइंट और रिमूव कर सकती है ए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो ए बी क्या हो गई, होल्डिंग, और ए क्या हो गई, सब्सिडरी। बच्चों वाली बात समझ में आ चुकी है। एग्जाम्पल टू, ए विल बी द सब्सिडरी ऑफ बी, ए जो है सब्सिडरी ऑफ बी, यानी बी ऊपर है और ए बच्चा है, कब सब्सिडरी मानी जाएगी, इफ बी होल्ड मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल, अगर बी के पास मोर देन 50% शेयर कैपिटल है। क्या बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। अगला देखो, बी इज द सब्सिडरी ऑफ ए, यानी कि बी क्या है, सब्सिडरी ऑफ ए, ए ऊपर है, बी बच्चा है। सी इज द सब्सिडरी ऑफ बी, सी और भी नीचे बालक पोता हो गया, इन सच केस सी विल बी द सब्सिडरी ऑफ ए, सी जो है वो ए की भी सब्सिडरी है और सी बी की भी सब्सिडरी है राइट। इफ डी सब्सिडरी ऑफ सी, ये लो और नीचे पहुंच जाओ, डी क्या है, डी सी की भी सब्सिडरी है, तो ऑटोमेटिकली डी क्या हो गई, डी इसकी भी सब्सिडरी हो गई, डी बी की भी सब्सिडरी हो गई, और जाने अनजाने आपको पता ही लग चुका है अब डी ए की भी सब्सिडरी हो चुकी है। आई होप एग्जाम्पल भी बुक के आपको बहुत मजेदार तरीके समझ में आ चुके हैं राइट। तो ये हुआ सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट, होल्डिंग की डेफिनेशन जो बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गई थी, एक बार उसे और देख लो तो आपको बात याद हो जाएगी, थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, देखना क्या लिखी है बात। कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी, समझेंगे तो याद भी हो जाएगी, कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, ये अदर कंपनीज कौन है, सर ये अदर कंपनीज हैं सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है ना, यानी कि ए को हम होल्डिंग मानेंगे इन रिलेशन टू अदर कंपनी बी जो सब्सिडरी है, या उसके नीचे भी सी जो सब्सिडरी है, ठीक है। मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज, यानी कि अदर कंपनी का मतलब बताया, अदर कंपनी मींस अ कंपनी विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। आयो बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, दिस इज द प्योर फुल 100% कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी विद रियल लाइफ एग्जांपल।